नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। भारतीय क्रिकेट पर कोरोना वायरस महामारी का असर काफी पड़ा है। मार्च में साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्थगित हुई 3 मैचों की वनडे सीरीज के बाद से अभी तक भारत में एक भी मैच नहीं खेला गया है। यहां तक कि दुनिया की सबसे महंगी T20 लीग IPL भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित है। इसके अलावा भारतीय टीम अपना अगला इंटरनेशनल मैच कब खेलेगी कोई नहीं जानता। कोरोना वायरस के कारण BCCI को भारतीय टीम का श्रीलंका और जिम्बाब्वे दौरा भी रद्द करना पड़ा था। इसी बीच डेली मेल ने एक रिपोर्ट छापी है कि इंग्लैंड का भारतीय दौरा भी स्थगित होगा, क्योंकि इस दौरान IPL के लिए तलाशी जा रही नई विंडो से क्लैश हो सकता है। ऐसे में इंग्लैंड की जो टीम 3 मैचों की वनडे और इतने ही मैचों की T20 सीरीज सितंबर में भारत खेलने आने वाली थी, उन दोनों सीरीजों को भी स्थगित कर दिया जा सकता है। दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI हर हालात में इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL का 13वां सीजन आयोजित करना चाहता है। BCCI के पास IPL 2020 के लिए सितंबर से नवंबर तक का विंडो है, लेकिन अभी BCCI इसके लिए ICC के उस फैसले का इंतजार कर रही है जिसमें T20 वर्ल्ड कप को स्थगित किए जाने या नहीं किए जाने पर फैसला किया जाएगा। 16 सितंबर से भारत की मेजबानी में इंग्लैंड को 3 मैचों की वनडे और 3 मैचों की T20 सीरीज खेली थी, लेकिन इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम को इस दौरे के लिए सस्पेंड करने जा रहा है, क्योंकि IPL से ये क्लैश हो सकता है। हालांकि इंग्लैंड ने इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर ली है। मेजबान टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज भी खेल रही है। कोरोना को लेकर मौजूदा समय में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है जहां कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा केस सामने आए हैं। अमेरिका इस मामले में नंबर 1 पर है, जबकि ब्राजील दूसरे नंबर पर है। वहीं श्रीलंका और UAE ने IPL की मेजबानी का ऑफर दिया है, लेकिन BCCI ने इसको लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।